मेरा नाम आदित्य, तब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे न्यू ट्रिक्स वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है कि यूट्यूब का जो स्टूडियो वर्जन था, जो हम डेस्कटॉप मोड पर जा कर करते थे, वो हट चुका है। तो उसको हम कैसे लाएँ, हम कैसे यूट्यूब स्टूडियो फिर से चालू करें। तो चलते हैं हम अपने पीसी के होम स्क्रीन पर। आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च भी कर सकते हो myyoutube.com। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर कर देना। आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप लिखा है। आप देख सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप लिखा है, आप देख सकते हैं, बस डेस्कटॉप लिखा है। इसमें जाने के बाद आप सिंपली सा आपको अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है, जूम कर लेना है थोड़ा। हाँ, बस देख सकते हैं, आपको चैनल को क्लिक करना है, यूअर चैनल पर जाना है। आप देख सकते हो आ गया। आपको कस्टम चैनल पर जाना है, कस्टम, जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब स्टूडियो है और यहाँ पास कस्टम चैनल है यहाँ पास। तो आपको इसमें सिंपली से इसको क्लिक करना है। आपको यहाँ पास देख सकते हो वीडियो मैनेजर मिलेगा ऊपर। वीडियो मैनेजर पर जाने के बाद तो आप जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, आप यहाँ पास हमारा यूट्यूब को क्लासिक वर्जन करने पर ऑप्शन आता था, जो कि अब यूट्यूब ने हटा दिया परमानेंटली। तो आपको सबसे पहले अपने चैनल के लोगों को क्लिक करना है, सॉरी आपको प्लेलिस्टर पर जाना है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो साइट पर, प्लेलिस्ट है साइट पर, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाना है आपको। आपका फोन एक बार फिर से रीलोड हो जाएगा पेज, यानी कि आपको यहाँ पर सिंपली सा आप देख सकते हैं, बस कुछ नहीं बता रहा। तो आपको सबसे पहले बस डेस्कटॉप मोड पर कर देना है। अब जैसा देख सकते हैं हमारा एक यहाँ पर हमारा लोगो दिख रहा है, वहाँ पर सबको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो करेक्टर स्टूडियो, देखो फ्रेंड्स आ चुका है। आप देख सकते हो क्लासिक वर्जन में आपको मिल चुका। आप अपने वीडियो मैनेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल पर देख सकते हो आपको क्लासिक मिल चुका। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें।